आहाना एंड अमृता चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों और बड़ों का फेवरेट पिज्जा। और इसे बनाने के लिए ना तो मैंने ओवन यूज किया है, ना ईस्ट और ना ही मैदा। इसे मैं बनाऊंगी कढ़ाई में। पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले हम पिज्जा की बेस की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हम एक बाउल में 2 कप गेहूँ का आटा लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून ऑयल और 2 चम्मच दही। अब सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटे को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। आटे को मिक्स करते हुए हमें 5 से 6 मिनट तक लगातार गूंथना है। डो हमारा रेडी है। अब इसे कवर करके 1/2 घंटे के लिए रख देंगे, जिससे आटा थोड़ा फर्मेंट हो जाए। आटा जब तक रेस्ट कर रहा है, अब हम सेकंड स्टेप की ओर चलते हैं और एक कढ़ाई को हम प्रीहीट करेंगे। कढ़ाई आप कोई सा भी ले सकते हैं जो अच्छे से कवर हो जाए। और इसमें डालेंगे 1 कप नमक और उसके बीच में एक छोटी सी कटोरी रख देंगे। अब एक प्लेट लेंगे और इसे सिल्वर फॉइल से कवर कर देंगे। और इस प्लेट को उस कटोरी के ऊपर रख देंगे। अब कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए कवर कर देंगे और गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। 1/2 घंटा हो गया है आटे को फूलते हुए। अब हम एक बार फिर से आटे को मिक्स कर लेंगे। बेस बनाने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा आटा नीचे डस्ट करेंगे। अब एक बड़ा सा लोई लेंगे और उसे हाथों से फैलाएंगे। लोई को बेलकर हमें पिज्जा का बेस तैयार करना है। हमें इतनी मोटी रोटी तैयार करनी है। अब एक फोक की सहायता से इसमें छेद कर देंगे, जिससे बेस ना फूले। और इसमें लगाएंगे पिज्जा सॉस और बेस को सभी सब्जियों से डेकोरेट कर देंगे। इसके लिए मैंने प्याज लिया है और इसे मैंने थोड़े चौड़े साइज में काटा है और थोड़े से रेड कैप्सिकम। सब्जियों का शेप और साइज आप अपने पसंद का काट सकते हैं। थोड़े से ग्रीन कैप्सिकम और थोड़े से पनीर के टुकड़े, इसे भी लगा देंगे। अब बेस को हम उस प्री हीट कढ़ाई में रख देंगे। और उसके ऊपर डाल देंगे थोड़े से कॉर्न। सब्जियां आप अपने पसंद का कोई सा भी ले सकते हैं। और लास्ट में इसके ऊपर चीज कद्दूकस करके डाल देंगे। मैंने यहाँ पर मोजरेला चीज यूज किया है। और इसे कवर कर देंगे। कवर करके इसे हमें 15 से 20 मिनट तक पकाना है। टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है और बीच बीच में हम पिज्जा को चेक करते रहेंगे। 20 मिनट हो गए हैं और सारी सब्जियों का कलर भी चेंज हो गया है और चीज भी अच्छे से मेल्ट हो गया है। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और पिज्जा को हम दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, पिज्जा नीचे से भी अच्छे से बेक हो गया है। और लास्ट में पिज्जा के ऊपर मिक्स हर्ब और चिली फ्लेक्स को स्प्रिंकल कर देंगे और इसे हम छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। और ये हमारा सुपर टेस्टी पिज्जा खाने के लिए रेडी है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।